get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. गाइज व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पार दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइज एक के बाद एक मैंने आपको बताया था सीरियस एग्जीक्यूटिव में कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट को अच्छे से स्कोर करना है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, राइट? मैंने इसके पहले कंपनियों के बारे में बताया था, आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट CMSL, SLCM एंड JIGL और आज बारी है SBC की। बाकी सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी अगर आपको जानना है कि कंपनी लॉ में क्या करना पड़ेगा स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग एग्जाम इन दिसंबर और जून 2020 एज द केस में भी। तो वैसे ही JIGL के लिए क्या करना होगा, आपका जो सब्जेक्ट है ग्रुप वन में फर्स्ट सब्जेक्ट JIGL, ग्रुप वन का सेकंड सब्जेक्ट कंपनी लॉ और ग्रुप वन का थर्ड सब्जेक्ट आज बता रहा हूं SBC। तो अगर आप ढंग से यकीन मानिए अगर वो दो सब्जेक्ट की भी आप स्ट्रेटजी समझ लेते हो, आज ये SBC की समझ लेते हो, तो तीन सब्जेक्ट तो आपके ग्रुप वन के अच्छे से हो सकते हैं। और एक बार टैक्स, उसमें आपको MCQ से पास करना है, मैनेज करना है, स्ट्रेटजी पूरी बनानी है और डेफिनेटली आपका अच्छे से ग्रुप वन पास होगा। सिमिलरली ग्रुप टू के लिए भी मैंने SLCM और CMSL पे बना चुका हूँ, ILGL पे बना चुका हूँ जिनका ओल्ड सिलेबस है, EBSL में पढ़ाता नहीं, कंपनी लॉ और EBSL कंपनी अकाउंट्स एंड FTFM जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह है, SM वगैरह, ये दो तीन सब्जेक्ट में पढ़ाता नहीं हूँ। इसको छोड़कर मेरे सारे सब्जेक्ट के जो स्ट्रेटेजीज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, ठीक है ना? तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा एंड तक के और फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड तक के अच्छे से। अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक के अच्छी बातें हो सकती है, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है दैट हाउ यू कैन स्कोर 60 प्लस इन SBC। अभी की है इसको थोड़ा फॉलो करेंगे तो 60 प्लस की आप एम या उम्मीद रख सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है 60 प्लस आपको ना आए क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, इस पर अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप 55 या 50 लाए, बट देन अगर आप फॉलो करेंगे तो 55-50 तक तो आ सकते हो, राइट? अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो आपको पता ही है फिर किस कैसे बच्चों को 40-45 आते हैं। तो यस, थोड़ा सा इसको आप फॉलो करिए स्ट्रेटजी को, डेफिनेटली आप इसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बट डेफिनेटली वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है भाई? सबसे बड़ी चीज, आपके SBC में 21 चैप्टर्स है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा रैंकिंग करने वाला हूं। मैं अपने हिसाब से जब मैं पढ़ता था 11th 12th या फिर CS का पूरा कोर्स में जब मैंने पढ़ाई की तो मैं अपने बुक में मार्किंग करता था 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। मेरे मुताबिक 5 स्टार का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ, जिसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। 3 स्टार का मतलब होता है कि पढ़ना है बट थोड़ा दे सकते हैं, थोड़ी कम इज्जत दे सकते हैं, और 1 स्टार जिसको तो 1 या 2 टाइम्स पढ़ लो तो हो जाएगा, ठीक है? अब ये मेरे तरीका था, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझे, तरीका अपना फॉलो कर सकते हो। आप इसको ABC बोल सकते हो जैसे मैंने बाकी वीडियो में कहीं भी बोला है, फिर इसको आप 5 स्टार 3 स्टार 1 स्टार कर सकते हो, जो आप ठीक समझो आप इसको दे सकते हो। बट पहली बात, पढ़ना 21 चैप्टर्स पूरे है, ये पहला डिस्क्लेमर है, ध्यान रखिएगा। मैं इसमें आपको कोई भी टिप देने वाला नहीं हूं, ये 4 चैप्टर छोड़ दो, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ना, पहली चीज क्या थी, 21 चैप्टर्स पूरे पढ़ने। दूसरी चीज, मैं जिनको 1 स्टार बोल रहा हूं वो मेरे मुताबिक एग्जाम में कम वेटेज रखते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में वो उतने ही कम मार्क के आएंगे, वो रेशो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं सर, मैं सिर्फ अपने पुराने 12 साल का तजुर्बा है टीचिंग का, साथ में प्रैक्टिस का, उसके मुताबिक बता रहा हूं कि हाँ यार ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें एग्जामिनर कम पूछेगा, ये मेरा तजुर्बा है। ऊपर से SBC आपको पता ही है 2 ही पेपर हुए इसके अब तक के, तो इसका हिस्ट्री भी नहीं है हमारे पास, और हिस्ट्री से कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि ICSI वो हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करता कि ये पूछा था तो ऐसे ही पूछेंगे, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मेरा पहला डिस्क्लेमर हमेशा पहला रहेगा, 21 चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं। हाँ, कुछ चैप्टर में थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं आप, थोड़ा कम पढ़ सकते हो, बट जो कैटेगरी 5 स्टार एंड 3 स्टार है उसको तो आपको घोट के पढ़ना है अच्छे से। तो ये मेरा पॉइंट है, तो डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट, कोई गारंटी वारंटी किसी बात की नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आएगा, बट यस ये मेरा गारंटी है 80% तो आएगा। गारंटी वारंटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर कोई मैथोरी पेपर सेट कर रहा हूं तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट यस 80% तक हो सकता है, राइट? तो ये कुछ डिस्क्लेमर्स थे बिकॉज उसके बिना पढ़ना मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पहले पॉज कर लीजिए और जाकर पेन और पेपर ले लीजिए, ठीक है ना? सो दैट आप कुछ लिख पाओ
और चाहो तो फिर आप उसको स्नैपशॉट भी ले सकते हो, जैसा आप ठीक समझो, ठीक है ना। तो आई होप आपने अपना मन बना लिया है एंड वी शुड मूव अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 60 मार्क्स। बच्चा बोलेगा सर कुछ भी, मतलब कुछ भी 60 मार्क्स आपके बोलने पे आ जाएंगे क्या? नहीं सर, मेरे बोलने पे नहीं आएंगे, आपको कुछ ये चीजें करनी होगी। क्या करनी होगी सर? सबसे पहले आपको जो मैं आपको बताने वाला हूं की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो आपको पूरे फोकस करना है अच्छे से। सो की 21 में से तकरीबन 14-15 चैप्टर ऐसे हैं जो तो आपको बाय हार्ट अच्छे से होने चाहिए, उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आने लायक होना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा जो बोलते हैं हम लोग कि सारे प्रोविजंस, क्योंकि एसबीसी एंड ऑफ द डे कंपनी लॉ का ही पार्ट है, और सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, इसके अंदर में अलग अलग लॉज भी है, लेबर लॉज भी है, एनवायरमेंटल लॉज भी है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज है, तो बहुत सारे लॉज है। तो एक कंपनी को जो बेसिक लॉज लगते हैं उसको कैसे सेटअप करना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का नाम मालूम होना चाहिए, एवरीवन नोस कंपनी लॉ तो उसका मतलब क्या होता है, वैसे ही यू शुड नो एसबीसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड क्लोजर। तो इसमें कंपनी या कंपनी नहीं, एक्चुअली कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, या फिर बाहर में कोई ज्वाइंट वेंचर हो, कोई भी टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको उसके पूरे प्रोविजंस कंसेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। उस पर अगर कोई केस लॉ हुआ है तो वो मालूम होना चाहिए। तो ये दो तीन बातें आपको जबरदस्ती ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर ध्यान रखनी है। तीसरा, आपको डेली 60 to 90 मिनट्स, अब वो 1 आवर 1.5 आवर आप देख लो, क्योंकि आपको 60-60 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो लोग ग्रुप 1 दे रहे उनका टेंशन नहीं है, ग्रुप 1 में 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर 1.5 आवर भी एक सब्जेक्ट को दिया तो 4 के लिए 6-7 घंटे काफी है। बट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हर सब्जेक्ट को तो 1 आवर नहीं देख सकते आप। अब किसी के हिसाब से टैक्स या कंपनी अकाउंट ज्यादा टफ होगा, उसको आप शायद 3 घंटा देते होंगे, कंपनी ज्यादा टफ होगा उसको आप 2 घंटा देते होंगे। मुझे लगता है इसको आप 1.5 आवर दे सकते हो डेली का, लेकिन डेली का, लेकिन ये तो फिर वही वाले बच्चे जो बोलते हैं कि सर एग्जाम के पहले 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो लोग होते हैं जो एग्जाम के 2 महीने पहले 1 महीने पहले पढ़ते हैं। बट अभी जिनका एग्जाम December 19 में है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त में, मतलब आपके पास कंप्लीट 4 महीने पूरे है, अगस्त का मिड पूरा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी मिड है, तो कंप्लीट 4 महीने, उससे ज्यादा ही टाइम आपके पास है। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि आप नहीं कर पाओ ये स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, 4 महीने तो कंप्लीटली है आपके पास। चौथा जो बोनी जॉब तो है नहीं, बट रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा नहीं है आपने, क्योंकि सर ये प्रोसीजर्स है, ये प्रोविजंस है, इसमें रूल्स आते हैं और वो रूल्स बदलते हैं, कोई केस होता है तो चीजें बदल जाती है। आपको इमेजिन करना होगा कि सर आप अब्रॉड जा रहे हो, तो अब्रॉड जा रहे हो तो फिर वहां पर बिजनेस कैसे सेट होगा, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के लॉस कैसे है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। रट्टा मारकर आप नहीं पढ़ पाएंगे, यह बात ध्यान आपको रखनी है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम होते होते, एग्जाम होते होते, जैसे मेरे जो बच्चे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स बाय किए एसबीसी के, उनके लिए मैं अभी अगले महीने से शुरू करूंगा टेस्ट सीरीज, हर वीकली टेस्ट होंगे, 2-2, 3-3 चैप्टर पर टेस्ट होंगे, तो टेस्ट आपने देनी है। और मैं, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं है, आप जहां भी पढ़ते हो मेक श्योर करो कि टेस्ट सीरीज होती रहे, सो देट आपको लिखने की हैबिट हो, क्योंकि होता क्या है बच्चों को पता चल आ जाता है कि हाँ होता क्या है, बट वो एग्जाम में लिख नहीं पाते, एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो एग्जाम में लिखना आना चाहिए, उसके लिए आपका पेन चलना चाहिए, आपका हाथ मूव होना चाहिए बहुत अच्छे से, और आपको हैबिट होना चाहिए लिखने की। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी, सैंपल पेपर करिए, क्योंकि मैं बोला इसकी इसकी हिस्ट्री नहीं है, ये पेपर दो अटेम्प्ट से आया बस, तो इसकी हिस्ट्री भी नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज या फिर केस जो बोलते हैं ना सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, और केस स्टडीज एटलीस्ट 2 तो करना चाहिए टेस्ट सीरीज। और जैसे मैंने बताया मेरे जो बच्चे जो एसबीसी मेरे लेक्चर लिए उनके लिए तो मैं बाकायदा बोले 9-10 पेपर बनाऊंगा अलग अलग वीकली वाले। तो ऑब्वियसली किसी को अगर एसबीसी अगर अभी भी आपने मन नहीं बनाया है तो नीचे में लिंक देख रहे होंगे आप, वहां पे जाकर भी आप अपने लेक्चर्स को बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। बट अगर आपको लगता है कि उसके लिए मेरे डेमो वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे चैनल पर है, ये डेमो वीडियो नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये तो आप मेरे लेक्चर लो या ना लो यू कैन फॉलो दिस, बट इफ यू वॉन्ट टू परचेज द लेक्चर्स ऑफ एसबीसी इफ यू मेकअप माइंड देन प्लीज वॉच सम ऑफ द वीडियोज विच आर इन देर माई चैनल एंड देन यू कैन ऑब्वियसली टेक द लेक्चर्स, ठीक है। एनीवेज मेरा वो मोटो नहीं है फिलहाल, तो बताना था कि हाउ टू डू दैट। तो ये 5 चीज आपको ध्यान रखनी है, सैम्पल पेपर बहुत जरूरी है सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए काम की बात पे आते हैं, इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स विल कवर द वीडियो ऑल्सो। 21 चैप्टर आपके मैंने बताया था, तो कैसे पढ़ना, ठीक है, जो मैंने बताया 5 स्टार चैप्टर्स, ये एक लिस्ट है, पहले समझ लीजिए अच्छे से, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, या वीडियो आपके पास रहेगा हमेशा यूट्यूब पे, कभी भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जब भी मन में आए देख सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस। इसमें बहुत टाइप के लाइसेंसेस है, लेबर लॉस से लेकर के, मतलब अगर आप देखेंगे अपना मॉड्यूल का पेजेस वाइज भी सबसे ज्यादा पेज ये खाता है, कंटेंट वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि एक कंपनी बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है सर,
कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसको मेंटेन करने के लिए लाइसेंसेस जो लगती रहते हैं हमेशा अलग अलग, बहुत लाइसेंस लगते हैं इसमें। तो ये सारी बातें पढ़ाई गई इस पहले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर आपका पहला नहीं ऑब्वियसली, ये आपके पार्ट बी में आता है, क्योंकि तीन पार्ट में आपका पूरा सब्जेक्ट डिवाइडेड है, आपको पता, ये भी पता होगा, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपको ये पार्ट बी में पढ़ने मिलेगा। दूसरा है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसपे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो सब सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद क्या होता है, आजकल जो बिजनेस जिस हिसाब से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, वो हिसाब से क्या होता है कि नॉर्मली कॉपीराइट के इशू बहुत आते हैं, ये इन्होंने कॉपी कर लिया, पेटेंट डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू आता है, ट्रेडमार्क का बहुत बड़ा, क्योंकि ट्रेडमार्क बहुत बड़ी एसेट होती है किसी की, एक बैनर बन जाता है, आज अगर आपको कभी भी अगर ये लोगो देखने मिलता है ऊपर में, तो आप समझ जाते हो कि हाँ तुषार पहाड़े का क्लासेस का है वो लोगो, अगर वो चार चूड़िया बनाई, चार सर्कल्स, इट मींस इट्स ऑडी, एक सिंगल सा स्टिक मार दिया तो इट इज अ नाइकी, एक सिंपल सा एम लिख दिया इट्स अ मैकडोनल्ड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, ये ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है, उसको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो क्या होता है केसेस बहुत बढ़ जाता है, और आजकल हो रहा है, बिकॉज आजकल जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उसमें तो कुछ भी करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं लोग, गलत काम भी कर सकते हैं डेफिनेटली। सो ऐसे में यू नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट आईपीआर। तो ये सब्जेक्ट भी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और सीएस प्रोफेशनल में आप जब जाएंगे तो इस पर पूरा सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है ना। कंप्लायंस अंडर लेबर लॉस, क्योंकि आप कंपनी बनाओगे डेफिनेटली, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या आप बिजनेस में हो, मतलब ट्रेडिंग में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो फिर तो सर आपको ये लेबर लॉस बहुत खतरनाक है, क्योंकि द मोमेंट यू आर इन टू मैन्युफैक्चरिंग यू हैव फैक्ट्रीज, यू हैव टू हैव फैक्ट्री एक्ट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिस्प्यूट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज में डिस्प्यूट होते ही है, लेबर में, मैनेजमेंट में, ये सब होता है, वहां पे औरतें काम करती है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है, वहां पे पेमेंट ऑफ वेजेस आता है, मिनिमम वेजेस एक्ट आता है, चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, कि आपकी फैक्ट्री में कोई चाइल्ड तो नहीं है काम करने वाला, और सिर्फ वो फैक्ट्री में नहीं सर, फैक्ट्री में ऐसे बोल रहा हूं, फैक्ट्री के अलावा अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी है, तुषार भाड़ा तस्वीर भी अगर कोई बच्चा काम करते हुए पाया जाए तो सर मेरे पे केस हो सकता है। तो वो सब आपको देखना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जब आप सीएस बनो तो आपको कंपनी के, वो सिर्फ कंपनियों के साथ साथ आपको ये सब भी देखने पड़ेंगे फिर, तो इसलिए ये भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी आपको पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना। चौथा टाइप ऑफ कंपनीज, वो तो आपने खैर पढ़ी होगी, कंपनियों में भी टाइप ऑफ कंपनीज बहुत सारी होती है, होल्डिंग, सब्सिडियरी, प्राइवेट, पब्लिक, तो मालूम ही आपको, ठीक है, बट प्राइवेट पब्लिक मेन टाइप हुआ, उसके अंदर में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, एसोसिएट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, तो बहुत सारी चीज के अंदर में दी गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो मेरा 5 है, जो आपके मॉडल के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 है, इसमें दो पार्ट्स है, कि व्हाट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, जो हमारा कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है, एंड हाउ टू ऑल्टर दैट, ऑल्टरेशन होता है ना सर एमओए का, एओए का, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज कैसे होता है, वो सब पूरा दिया गया, ठीक है। इसमें डॉक्ट्रिन भी, चार चार डॉक्ट्रिन है, अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्टिट्यूटिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ऑल्टर ईगो, ये सब पढ़ाया गया उसके नंबर, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में 10 मार्क तो मुझे लगता है आने चाहिए इसमें से, ठीक है ना। और फिर एक और चैप्टर है स्ट्राइकिंग ऑफ, जो सबसे आखिरी में आता है, पार्ट सी में आपके क्लोजर वाले में, एसबीसी का जो आखिरी जो सी है क्लोजर, उसमें आता है स्ट्राइक ऑफ, सेक्शन 248, कैसे आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर रहा है, आपने पेपर में पढ़ा होगा पिछले एक दो सालों में तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख कंपनियां स्ट्राइक ऑफ हुई है, डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी एग्जाम में बहुत अच्छे से वेटेज आएगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स है जिसको मैं मानता हूं 5 स्टार है, जिसको आपने कम से कम 5 स्टार मतलब सिंपल मान लो आपको 5 बार पढ़ना है, बहुत सिंपल ध्यान रखने के लिए 5 बार तो आपको पढ़ना ही है, और एग्जाम के पहले जो होते हैं ना वन डे का जो गैप होता है उसमें आपने ये पढ़ के जाना है ये 5, और वो भी थर्ड जो बोलते ना 3 स्टार चैप्टर, वो भी, तो ये आपको समझ लेना अच्छे से। पर मैं फिर से डिस्क्लेमर रिपीट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये 6 चैप्टर ही ज्यादा वेटेज के आएंगे, इसमें से कोई एक दो चैप्टर नीचे सरक सकते हैं, और कोई, देखो सर मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, क्रिकेट में विराट कोहली नंबर 1 पे प्लेयर है, इट मींस विराट कोहली जिंदगी भर नंबर 1 पे रहेगा क्या? नहीं, मैचेस होती है, कुछ परफॉर्मेंस होता है, वो नीचे आता है, कोई नया प्लेयर ऊपर जाता है सर, कॉमन सेंस है। कोई मूवी में बात करेंगे तो कोई मूवी के चार्ट बस्टर सॉन्ग्स होते हैं, नंबर 1 सॉन्ग, नंबर 2 सॉन्ग, क्या वो गाना हमेशा ऊपर रहता है क्या? नहीं, कोई नया गाना आएगा वो हिट होगा वो ऊपर जाएगा, वेरी सिंपल से बात है। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है सर, एग्जाम नया होगा दिसंबर में, कुछ एक दो चैप्टर ऊपर जाएंगे, 2-3 चैप्टर, किसी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आ जाएगा, कुछ नया नोटिफिकेशन आईसीएसआई या फिर एमसीए पास करेगा, वो चेंजेस आने की वजह से वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर ये चैप्टर बहुत छोटा था पहले, मालूम है, एक ही सेक्शन 248, 252, दो एक दो चीजों में बदलता है, बट सर जिस हिसाब से अभी आरओसी ने और एमसी ने स्टेप लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हो सकता है कल कोई चीज अमेंडमेंट हो जाए और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाए, तो ये चीजें बदलेगी, कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं 3 स्टार कैटेगरी में, यहां पर भी मैंने कुछ माना है, जो सबसे बड़ा है सीआईआरपी,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप के बाद हम चाहते हैं कि सर कंपनी क्या हो जाए, रिजोल्व हो जाए और कंपनी रिकवर हो जाए। कंपनी इंसॉल्वेंट होती है जब कंपनी के असेट्स कम होता है, लायबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऐसे में हम कंपनी को वाइंड अप नहीं करते, पहले हम कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसको बोलते हैं हम रिस्ट्रक्चरिंग, वो हो जाए। और अगर वो नहीं होती फिर भी तो सर हम वी गो फॉर वाइंडिंग अप, वो लास्ट स्टेप होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे अच्छे से, ठीक है। ये नया आईबीसी का टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, ठीक है। फिर जेवीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंपनी इंडिया में बनाना एक चीज, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चलाना एक चीज, बट जैसे जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है डेफिनेटली उनका इंडिया के बाहर क्या बनता है, जेवीज होता है, ज्वाइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशन, वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये बनता है। यू हैव हर्ड अबाउट मारुति सुजुकी, बहुत पुराने नाम है मारुति सुजुकी, काइनेटिक होंडा, या फिर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम लीजिए आप, टेक द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट रिलायंस एंड एक्सेप्ट एलआईसी, टेक द नेम ऑफ एनी कंपनी, मैक्स न्यूयॉर्क, बजाज अलायंस, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स ब्यूपा एंड आई डोंट नो कितना नाम लेते रहो, सारे कंपनियों में कहीं ना कहीं अलायंसेज होते हैं, क्योंकि ये नॉर्म्स होते हैं उस कंट्री के। इंडिया के कुछ और नॉर्म्स है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वहां के कुछ और नॉर्म्स है। तो एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाना बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसमें भी एक एडवांटेज आ सकता है। फिर स्टार्टअप, आपको पता ही है बहुत अच्छी चीज है, स्टार्टअप के लॉज अलग है, कंपनी बनाना है स्टार्टअप नहीं होता, स्टार्टअप मतलब कोई नई आइडियाज को, इनोवेशन को जो कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, ऐसा बिजनेस जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और डेफिनेटली ये फ्यूचर भी है स्टार्टअप्स, ठीक है ना। फिर फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, एनजीओ भी बहुत अच्छी चीज है, सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाते हैं, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ट्रस्ट, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ सोसाइटी, ये भी पढ़ने, तो इस पर भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिर लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी की लीगल स्टेटस क्या होती है, तो ये नॉर्मली वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल समान चैप्टर है कि कंपनी की स्टेटस क्या है, कंपनी सेपरेट एंटिटी, सोलोमन वाला केस, वो सब है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इस पे केसेस बहुत है इसलिए आ सकता है, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, आपने सुना होगा तीन चार टाइप के कन्वर्जन होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, ओपीसी टू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, आपने सुना होगा कि पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी इतनी इजीली क्या नहीं होती, कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो सब यहां पे पढ़ने मिलेगा, तो अच्छा चैप्टर ये भी है 6 नंबर का। और डेफिनेटली एफएसओ, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आईएफसी कंपनी सुना होगा आपने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, वो आती है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट कंपनी, वो निधि कंपनी सुना होगा आपने, तो ये सब यहां पे आते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि सी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में आता है, या यू कैन सी थर्ड थ्री स्टार कैटेगरी में आता है, इसको दो तीन बार तो अपने पढ़ना ही चाहिए। तो आप सोच रहा है ये 7 चैप्टर्स और पिछले स्लाइड के 6 चैप्टर्स, अगर आप 13 चैप्टर कर लो तो डेफिनेटली आप 60 मार्क के ऊपर ला सकते हो, बट सर बाकी 40 मार्क तो लाने हैं हमको। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये दो चैप्टर से, ये दो पार्ट से, 5 स्टार 3 स्टार, इससे आपको एग्जाम में 60 मार्क का आएगा, बताइए, मेरा खुला चैलेंज है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि ये 13 चैप्टर्स का आप वेटेज कर लेना, आपको एग्जाम में 60 मार्क के ऊपर आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 13 चैप्टर पढ़कर आप जाएंगे और 60 मार्क सॉल्व करेंगे तो आपको 60 नहीं आएंगे ना, इसलिए पढ़ना 100 मार्क का है और एग्जाम में भी देना 100 मार्क का है। बस अब जो मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा आप लीनियंट सी रख सकते हो, लीनियंसी का मतलब एकदम 5 टाइम्स पढ़ना इतना नहीं, इसको आप थोड़ा काम चलाओ पढ़ करके बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, जो मैं आपको अभी 1 स्टार कैटेगरी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये है, बट इसको छोड़ना नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको शायद लग रहा होगा सर बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्या है बच्चे फिर गलत ले लेते हैं कि सर आपने तो बोला था कि इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कौन से चैप्टर है वो, सर डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455, इस पर छोटा सा टॉपिक आता है, डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है, 2 साल से जो इनएक्टिव है, जिसने बिजनेस शुरू किया ही नहीं, किया तो बिजनेस, बहुत ज्यादा टॉपिक में हाई फाई टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल लॉस ये पढ़ना आपको, पॉल्यूशन कंट्रोल पता ही होगा आपको, जब कंपनी की फैक्ट्री होती है तो देर आर नॉर्मल 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, नॉइज, वाटर, उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस है तो वो भी ईजी है। वेस्ट इंडस्ट्री के लिए कौन से लॉ एप्लीकेबल होता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन करने होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एक बेसिक सा चैप्टर है, 4-5 पेज का चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद आता है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन नोस कंपनी, बट कंपनी के अलावा भी चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि कौन सी क्या चीज बनाना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, तो सर ये बहुत इजी चैप्टर है, पहला चैप्टर ही है, इसमें बताया जाता है कि अगर आपका पास ज्यादा पैसा है तो कंपनी बनाओ, कम पैसा है तो यू कैन स्टार्ट विद प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको ज्यादा डिसीजन मेकिंग चाहिए तो कंपनी बनाओ, अगर आपको लगता है कि सर फास्ट डिसीजन मेकिंग हो तो प्रोप्राइटरशिप बनाओ, तो वो बहुत इजीली समझाया गया उसके अंदर में, वो चैप्टर 1 है आपका, यहां पे मैंने 5 में रखा हुआ है, ठीक है ना।
फॉर्मेशन ऑफ एलएलपीस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5 आपके मॉडल के मुताबिक। एलएलपी एक अलग और ऑल्टोगेदर डिफरेंट एरिया है। एलएलपी में वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर और एलएलपी एग्रीमेंट होता है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लास्ट में सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया जो मैंने बताया था वो, और सबसे लास्ट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर नंबर 4 और 7 मिक्स समान ही है। 4 में चॉइस कौन सी हो, पर चॉइस कब करोगे जब आपको चैप्टर नंबर 7 पता होगा, मतलब ये सॉरी 8 वाला यहाँ पे, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अलावा एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप, वो सब। तो बहुत ईजी है, आई एम वेरी मच श्योर, अगर आप साइंस से नहीं आ रहे हो, अगर आप कॉमर्स से आ रहे हो, तो ये जो चैप्टर्स है आप 11th 12th में पढ़े, ट्रस्ट मी, और बताना कमेंट करके नीचे में पढ़ाई की नहीं, 11th 12th में पढ़े आपने एचयूएफ, करता कौन होता है, कोपार्टनर कौन होता है, तो सर ये सब आपको बताओ, सर ये पढ़ा आपने 11th 12th में, फिर आपने पढ़ा होगा शायद बीकॉम में भी, अगर आप बीकॉम या बीबीए कुछ कर रहे हो ग्रेजुएशन में, और अगर आपने पढ़ा है फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, तो वहां भी पढ़ा होगा, कितने बार पढ़ा है सर। इसलिए नॉर्मली मुझे लगता है ये सब में ज्यादा वेटेज नहीं आएगा, ये मुझे लगता है, बट मैं आईसीएसआई नहीं हूं, हो सकता आ जाए, पढ़ना पूरा है, राइट साहब। तो आई गेस मुझे लगता है ये बहुत क्लियर मैंने किया है, तो इफ यू थिंक दैट मैंने जो भी बातें की सही होंगी, तो प्लीज एक लाइक देके जाइएगा वीडियो को, ठीक है। इफ यू थिंक, इफ यू वांट टू से समथिंग टू मी, प्लीज कमेंट डाउन, मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसको अप्रिशिएट भी करता हूं, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाजू में बेल आइकन भी होता है वो भी क्लिक करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। कोई भी डाउट आपको हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस के नंबर पे, मेरा फेसबुक भी जो पेज को भी उसको भी आप लाइक कर दीजिए, सो दैट वहां पे भी कुछ ना कुछ चलते रहता है हमेशा, सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑल्सो। ऑल्सो माय चैनल इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप दैट यू विल लाइक द इनिशिएटिव विच आई हैव टेकन। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज मैं फिर से बता देता हूं, कंपनी लॉ एसबीसी तो अभी दे रहा हूं मैं आपको, जेआईजीएल, इसके अलावा एसएलसीएम, सीएमएसएल, आईएलजीएल, ऑल द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में, आप जाइएगा और जरूर से वहां पे जाके देखिए, आपको सारे वीडियो देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाय दिस नोट आई विल एंड माय वीडियो हियर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो सम अदर टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड सी यू सून।